चाहते हैं ख्वाबों की दुनिया सजाना तो इसके लिए होगा आपको फिजिक्स के साथ आना। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का व्यंजक के बारे में जानेंगे। कहता है जब केवल प्रतिरोध उपस्थित हो। कह रहा है माना कि कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, ये जो हमारा दिखाया गया है ये चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध R ओम उपस्थित है। इसमें हमारा प्रतिरोध है R ओम प्रतिरोध उपस्थित है। कह रहा है कि इस प्रतिरोध के सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया गया है। ये जो हमारा है ये प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया गया है जिसके कारण तात्कालिक विद्युत वाहक बल E=E0sin ωt उत्पन्न होता है। इस प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हमारा उत्पन्न होता है E=E0sin ωt जहां E0 विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। कहता है ओम का नियम हमारा कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चूंकि यह हमारा विभवांतर नहीं विद्युत वाहक बल है अतः प्रतिरोध में किसी समय तात्कालिक धारा I बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध I = E/R। E हमारा विद्युत वाहक बल और R प्रतिरोध है। ऊपर हम लोग E = E0sin ωt देख चुके हैं अतः E के स्थान पर E0sin ωt देने पर I = E0sin ωt/R ये हमारा समीकरण एक है। कहता है धारा के अधिकतम मान के लिए sin ωt = 1 होना चाहिए। इस पूरा sin ωt का मान 1 होना चाहिए किसके लिए? धारा के अधिकतम मान के लिए। धारा के अधिकतम मान को हम लोग I0 या I max सूचित करते हैं अतः I0 = I max = E0 × 1/R। इससे अब हम लोग दिए हैं 1 और ये तो जीरो कहते हुए इसलिए अब हम लोग ये I0 या I max ये धारा का अधिकतम मान है। इसको हम लोग शिखर मान भी बोलते हैं। तो हमारा आया I0 = I max = E0/R। कह रहा है समीकरण एक में E0/R का मान देने पर समीकरण एक हमारा यहाँ है E0/R की जगह पर हम लोग देंगे I0 तो हमारा हो जाएगा I = I0 sin ωt। यह हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का व्यंजक है जब केवल प्रतिरोध R उपस्थित होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।